देश में लोकसभा चुनावों का बिगुल बज चुका है। पंजाब भाजपा भी चुनावी सरगर्मियों में उतर चुकी है। पंजाब भाजपा के प्रधान श्वेत मलिक ने अमृतसर में बूथ लेवल पर कार्यकर्ताओं की मीटिंगें की। उन्होंने पार्टी वर्करों को, कर्मठ कार्यकर्ताओं को लोकसभा चुनावों तक कमर कसकर जो केंद्र की मोदी सरकार ने पिछले 5 वर्षों में उपलब्धियां हासिल की हैं, उन उपलब्धियों को घर घर पहुंचाने के लिए कहा। श्री मलिक ने कहा कि 5 वर्षों तक केंद्र में मोदी सरकार ने हर वर्ग को सामने रखकर पॉलिसीज बनाई। उन्होंने कहा चाहे किसान हो, चाहे आम वर्ग हो, चाहे व्यापारी वर्ग हो, नरेंद्र मोदी की सरकार ने सभी के लिए जो नीतियां बनाई उनको अमली जामा पहनाया। उन्होंने कहा कि देश में मोदी लहर है और इसका जो साफ परिणाम है वो इससे ही पता चल जाता है कि देश का हर नौजवान, देश का हर भाजपा कार्यकर्ता अपने नाम के आगे चौकीदार लगा रहा है। उन्होंने राहुल गांधी को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी झूठे हैं, वो झूठ के सहारे लोगों को गुमराह कर रहे हैं, पर देश की जनता झूठे लोगों के झांसे में कभी नहीं आएगी। आइए सुनाते हैं श्वेत मलिक ने क्या कहा। कार्यकर्ता जोश या हुण भी वेख लो तुसीं, ਇਹ ਜੋਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਸਾਰਾ। ਬਾਕੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵਾ ਪੁਲਿਸ ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਆਈ, ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਿਆਕਰਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਿਆਕਰਤਾ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਅੱਗੇ ਕਰੇ।